आपके बिजनेस में सत्य बोलो, पारदर्शकता लाओ, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आपके एंटरप्राइज में, आपके बिजनेस में सत्य बोलना बहुत जरूरी है। जब आप इनऑथेंटिक होते हो, अप्रामाणिकता आपके दिमाग में रहती है, आप अप्रामाणिकता से बोलते हो तो वातावरण जो है वो अविश्वास का हो जाता है। अविश्वास, लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार आप सत्य बोलते हो तो ठीक है, उस समय लोगों को हर्ट होगा शायद, उस समय लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर उस समय, क्योंकि वह आप एक्सप्रेस कर रहे जो भी है वो। मगर यदि आप सत्य नहीं बोलते हो, असत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो, लिपाछिपी करते हो, लोगों से कुछ छुपाते हो और लोगों को बाद में मालूम पड़ता है कि ऐसा हो गया, तो फिर क्या है? जब बाद में मालूम पड़ता है, सत्य बाद में बाहर आता है, फिर लोगों का आपके ऊपर का विश्वास निकल जाता है। आपने कभी भी किसके प्रति गॉसिपिंग नहीं करना चाहिए, किसके प्रति वो अब्सेंट है तो उसके अब्सेंट में किसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। एक थर्ड व्यक्ति के पास में सेकंड व्यक्ति के बारे में बोलना नहीं चाहिए, जो भी बोलना है वो सामने सामने बोल रहे, क्लियर कट बोल रहे। क्लियर कट बोलने के बाद में हो सकता है कि उसको अच्छा लगेगा नहीं, ठीक नहीं लगेगा, हरकत नहीं तभी भी, मगर एक बार का उसका ठीक नहीं लगेगा। मगर बार 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 आप सत्य बोलते जाएंगे, आप सत्य बोलेंगे तो एक वातावरण जो है सत्यता का हो जाएगा, मालूम रहेगा लोगों को यहाँ लिपाछिपी नहीं है, यहाँ कोई असत्य नहीं है, यहाँ आप साफ सुथरे रह सकते हो, आपके ऊपर विश्वास रखा जाता है। फिर आपको हर बात आपके एक्शंस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो होता क्या है कि असत्य का वातावरण रहा, इनऑथेंटिक वातावरण है, तो फिर आपको एक्शंस एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। क्या होता है कि जब आप झूठ बोलते हो तो क्या झूठ बोला हो ख्याल रखना पड़ता है कि मैंने क्या झूठ बोला, और वो झूठ बोला है वो ख्याल रखना है, और वो ख्याल रखते रखते बोलना है तो बहुत ही कॉन्शियसली बोलना पड़ता है, क्योंकि झूठ को छुपाना है, और झूठ को छुपाना है और वो छुपाने के लिए फिर जो बोलना है वो बोलना है बहुत ही कॉन्शियसली, फिर आप फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हो। जब आपके पास में कोई झूठी नहीं है, सब खुल्लम खुल्ला है, वातावरण एकदम सेल्फ एक्सप्रेसिव है, तो आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या बोला। नहीं तो झूठ बोला है तो याद रखना पड़ता है कि मैंने कौन सा झूठ बोला था, क्या बोला था, सब खुला है, ट्रुथ है, तो फिर वातावरण एकदम बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, उच्चतम स्तर का वातावरण हो जाएगा, लोग फ्रीली काम कर सकेंगे, फ्रीली एक्ट कर सकेंगे, और लोगों को मालूम है कि यहाँ झूठ चलते ही नहीं। सत्य बोलो, जो भी होगा उसका सामना करो, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस है उसको फेस करो, मगर वातावरण बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये कंपनी में आप ये इस तरह का एक वर्चुअल लाते हो, इस तरह का एक कल्चर आप लाते हो, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी एक अलग लेवल पर चले जाएगी। ये वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो ताकि लोग अपने कंपनी में ये वातावरण लाएंगे और अपनी तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच।